तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी की ऐप के बारे में जिसका नाम है अल्ट्रा डाटा सेविंग ऐप। उसके अंदर एक नया अपडेट आया, उसके बारे में आपका आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैग में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ अल्ट्रा डाटा सेविंग ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वहां जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। तो उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल गैलेक्सी स्टोर में और माय अपडेट्स वाले सेक्शन पे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा जो कि है अल्ट्रा डाटा सेविंग ऐप के बारे में आप देख रहे होंगे। तो ये अपडेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो इस ऐप का वर्जन है 5.00.18 वर्जन है जिसको रोल आउट किया गया है 5 जनवरी, मतलब आज ही के दिन इसको रोल आउट किया गया है, जिसका अपडेट का साइज है 7 MB का। ये अपडेट का साइज है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कुछ नए चेंजेस यहाँ पर लिखे नहीं कि इस ऐप में क्या चेंजेस किया गया है, बट ये बहुत ही काम की ऐप है। अगर आप अपने मोबाइल में डेटा को सेव करना चाहते हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत काम की आने वाली है। एक्चुअल में कैसे यूज करेगी और कहां ये मिलेगा आगे आपको बताने वाला हूं, तो उसको कर लेते हैं पहले अपडेट। तो फाइनली ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा बैटरी एंड डिवाइस केयर का, आपको उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर अल्ट्रा डाटा सेविंग, आप देख रहे होंगे। अगर आपने इस ऐप को अभी इस ऑप्शन को यूज नहीं करा होगा तो आपको डायरेक्ट डाउनलोडिंग के लिए बोल देगा। अगर डाउनलोड कर लिया है तो डायरेक्ट आपको ऐसा ऑप्शन देगा। तो आपको यहाँ चले जाना है। यहाँ करने के बाद आपको करना है यहां से इसको ऑन कर लेना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको इतना कुछ यहां पर आपसे पूछने वाला है, लाइक जैसे यहां पर आपको बताया है बैकग्राउंड डाटा विल बी ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड फॉर ऑल ऐप बाय डिफॉल्ट बट यू कैन अलाउ स्पेसिफिक एप्स टू यूज इट कंप्रेस डाटा यूजिंग सैमसंग मैक्स। मतलब कि जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो बैकग्राउंड डाटा ऑल ऐप्स के लिए बंद हो जाएगा, बस उसी ऐप में चलेगा जिसको आपने यहाँ पर अलाउ करके रखा है, और कंप्रेस डाटा आप यहाँ पर कर सकते हैं। द डाटा यूजेस इंफॉर्मेशन मेजर्ड बाय योर डिवाइस योर सर्विस प्रोवाइडर मे अकाउंट फॉर यूजली डिफरेंटली आफ्टर द स्क्रीन हैज बीन टर्न ऑफ 5 मिनट्स आफ्टर द स्क्रीन हैज बीन टर्न ऑफ फॉर 5 मिनट ऑल ऐप अदर दैट द सिलेक्टेड इन द ऐप एक्सेप्शन विल बी स्टॉप रनिंग इन द बैकग्राउंड। ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि जैसे ही आप स्क्रीन ऑफ होगी 5 मिनट के बाद सारे ऐप का वहां पर एक्सेस बंद हो जाएगा और वो सब नेट यूज नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज यहां पर देखिए, आपको इसको अलाउ कर देना है। ऑलवेज टर्न ऑन मोबाइल डाटा व्हाइल अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड इनेबल्ड, आपको यहां पर इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, इनेबल कर देंगे तो फाइनली ये यहां पर इनेबल हो जाएगा। आपको ये यहाँ पर ऐसा ऑप्शन मिलने वाला है, आप देखेंगे फाइनली ये इनेबल हो चुका है। तो यहाँ पर डिटेल में करेंगे तो बता भी देगा कौन कौन सा डेटा यूज़ करा है। तो अभी मैंने ऑन करा है तो अभी आपको बताएगा नहीं, जब ऐप्स को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखेंगे तो ऑप्शन मिला है डाटा कंप्रेशन, तो यहाँ पर आप कंप्रेस कर सकते हैं डाटा को भेजने से पहले, लाइक कि इमेज की क्वालिटी कैसी रहे। आप यहां पर देखेंगे सेव मोबाइल डाटा बाय यूजिंग स्मार्ट मैक्स टू कंप्रेस रिसीव डाटा बाय कंप्रेसिंग इमेज बिफोर यू अपलोड देम। तो यहां पर ये अपलोड करने से पहले आपके डाटा को सेव कर लेगा, तो ये ऐसा काम करेगा। तो आपको यहां पर कंप्रेस करने के लिए काम करेगा, तो उसको ऑन कर लेना है। गो टू सेटिंग में जाके आपको इसको ऑफ कर देना है पहले ब्लूटूथ सेटिंग को, तब जाके ये ऑन होगा। अब यहाँ ऑन हो चुका है तो आप देखेंगे यहां पर कंप्रेस करने के लिए इमेज की क्वालिटी कैसी रहे, लो रहे और अपलोड में कैसी रहे। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि डाउनलोडिंग में मैंने इसको लो कर रखा है और अपलोडिंग में मीडियम कर रखा है, तो ये ऐसा आप यहां से कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों को लो कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे की तरफ देखेंगे वीडियोस में कैसा रहा है, हाई रहा है और लो रहा है, आप यहां पर कर सकते हैं, और ऑडियो में कैसा रहा है। आपको हर एक एक चीज की यहां पर सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद यहां नीचे आएंगे लिमिटेड बैकग्राउंड डाटा, ये वो ऐप्स है जिनको आप अलाउ करेंगे तो वो बैकग्राउंड में डेटा यूज कर सकते हैं। इवन आपका मोबाइल ऑफ भी होगा तो भी वो वाली ऐप्स आपकी बैकग्राउंड में रन कर सकती हैं। यहाँ पर आप 6 ऐप्स को डाल सकते हैं मैक्सिमम, जो कि बैकग्राउंड में डाटा आपका यूज कर सके रखे। अगर आपको डालना हो आप यहाँ पर क्लिक करें प्लस में, जिस ऐप को आपको डालना है उस ऐप को आप सिलेक्ट करेंगे और वो वहां पर एड ऑन हो जाएगी। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से माइनस करके उसको चेंज आउट भी कर सकते हैं कि हमें इस ऐप को लगाना है उस ऐप को लगाना है, तो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो एक्चुअल में काम करेगा इसका ऑन करने के बाद, मेन चीज़ ये है कि बैकग्राउंड में डाटा सारा आपका ऑफ हो जाएगा, कोई भी ऐप बैकग्राउंड में डाटा यूज़ नहीं कर सकती, और जिन ऐप्स को आप अलाउ करेंगे उन्हीं को ही करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि बैकग्राउंड में आपका डाटा यूज़ नहीं होगा और आपका डाटा वहाँ पर सेव हो जाएगा। ये मेनली काम करता है। और डाटा कंप्रेशन का मतलब ये है कि इसमें आपकी इमेज और वीडियो का साइज क्वालिटी कम करके आप उसका भी वहाँ से भी डेटा को सेव आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप ये बता रहे हैं अभी मैंने यूज़ करा है 349 KB और सेव किया गया है 94 bytes। तो ऐसे जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतनी ज़्यादा आपकी सेविंग यहाँ पर आपको दिखती रहेगी।
चल मैं ऐसा वर्क करता है, इस अपडेट में ये था कि जो भी कुछ बक्सेस होंगे या फिर कुछ नया इनहांस फीचर यहाँ पर एड ऑन किए गए होंगे तो इस अपडेट में ये दिया गया था, बट मैंने आपका इसका पूरा ओवरव्यू बता दिया एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है। और आप यहाँ पर जाके रिमूव ऐप एक्सेप्शन में जाके रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पर सेटिंग पे जाएंगे तो आपको सेटिंग मिल जाएगी, डाटा यूजर्स लिमिटेड की सेटिंग कर सकते हैं, ऑटो टर्न ऑन मोबाइल डाटा ये भी आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा वर्क करता है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी कुछ कमी है तो हम डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।